सो हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस व्लॉग में। हाय सभी को। तो आज हम जाने वाले हैं सोल फॉर्मेशन में। तो ये नायगांव की सिटी, यहाँ पे नायगांव का सब दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। और आज हम लोग जाने वाले हैं सोल फॉर्मेशन में, नमक की खेती में जाने वाले हैं कि नमक कैसे बनता है, वो सब आपको डिटेल में बताने वाले हैं। यहाँ पे सब नमकीन उमकीन वेफर ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कैसे नमक बनता है, नमक की खेती कैसे की जाती है, हाउ द सॉल्ट इज फॉर्म। ओके, अच्छा सॉल्ट फॉर्मेशन। ओके, तो मैं जा रहा हूँ, क्या है कैसा है। वो सेट यार, पूरा शूज जो है कि कीचड़ में चले गया भाई, देख सकते हो आप लोग। दोस्तों देखो यार, पूरा कीचड़ लग गया है। अभी घर पे मम्मी डांटेगी, बोले क्या हो गया, अभी मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ मेरा ब्लॉग बनाना छूट जाएगा, क्या करो भाई, सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट करो। देख रहे हो अभी का पानी कहाँ में मिलेगा, पानी ढूंढो कहीं पर मिलता है तो देखते हैं। तब तक आप लोग सॉल्ट फॉर्मेशन देखते रहो। देखो यहाँ पर सब वाइट वाइट दिख रहा है, सब सॉल्ट है, सब दिख रहा है। यहाँ पर कहीं वाटर देखो यार, कहीं पानी मिले तो पहले शूज धोऊँ। तो गाइस, बहुत ही कड़ी मुशक्कत के बाद, बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद पानी मिल गया है, अब हम लोग अपना ये शूज धो सकते हैं। तो थैंक्स गॉड, आपने बहुत ही जल्दी हम लोग को पानी दिला दिया। तो भाई अभी धोना स्टार्ट हो गया, जल्दी 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 धोना है क्योंकि अभी आगे वीडियो बनाना है भाई। जल्दी 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 जल्दी, ओ भाई भाई भाई। तो भगवान का शुक्रिया कि पानी मिल गया और अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से शूज़ जो है कि धुल जा रहा है। बहुत अच्छा है कि घर पे मार खाने से बच जाऊंगा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि भाई पानी मिल गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जल्दी जल्दी देखिए, पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है यहाँ का। अभी नेक्स्ट वीडियो देखो, पूरा नमक इस पाइप पर ऐसे लग गया है, ये पूरा नमक है, आप देख सकते हैं। आप वेलकम गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम लोग जानेंगे कि हाउ द सॉल्ट इज मेड, कैसे जो है नमक कैसे बनता है, नमक की खेती कैसे होती है और नमक कैसे बनता है, आज हम लोग जानने वाले हैं। और इसी नमक की खेती आप देख सकते हैं वहाँ पे, दिखा दीजिए वहाँ पे कैसा दिख रहा है। तो अभी जाके उसको सामने से निरीक्षण करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे नमक को बनाया जाता है और कैसे नमक बनता है। और उसी फील्ड नमक की खेती जहाँ हो रही है, उसी के सामने देखो कुछ बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गांव वाले हैं, यहाँ के गांव वाले कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो भी है बहुत लोग का जमावड़ा लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोग वहाँ चलते हैं, अभी आपको दिखे ना। तो चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक नमक का टीला लगा हुआ है, नमक का ढेर यहाँ पे है सॉल्ट का। चलते हैं दिखाते हैं आपको। चलो भाई वीडियो वाले आ जाओ, आगे आओ, आते रहो कैमरामैन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, आओ भाई। तो देखते हैं यहाँ पे है पूरा सॉल्ट का जमावड़ा, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वाइट वाइट, पूरा जैसे लगता है कि वो वही मतलब सीमेंट लग रहा है, बट यहाँ पे ये पूरा सॉल्ट है। यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा दिख रहा होगा सॉल्ट की खेती, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट यहाँ पे होता है। और बहुत ही ज़्यादा हवा धूप के साथ, बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा है यहाँ पे भाई। ये क्या करेगा, बैग में भरेगा क्या, बैग में भर के लेके चलेगा बैग में भरना है इसको, चलो लेके चलते हैं। बहुत ही भाई गैस, बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में। और हाथ में अगर देखेंगे तो देखते हैं, साइड में दिखाते हैं। तो ये है हमारा सॉल्ट फॉर्मिंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो भी है। आओ भाई आओ, आगे आओ थोड़ा। तो अभी क्लियर दिख रहा है हमारे दर्शक लोग को। तो ये है सीन, यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो भी, यहाँ पे अच्छा से दिख रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे और धूप भी काफ़ी है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है सॉल्ट फॉर्मेशन। अभी इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है, बट जो भी रहेगा अभी आपको पूछ के बताएंगे। वहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं तो अभी वहाँ जाके पूछेंगे और पूछ के बताएंगे जो भी रहेगा। हाँ, और इसको हाथ में लेते थोड़ा, देखते कैसा लगता है सॉल्ट को। तो बहुत ही तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, देखते हैं। वाह क्या मज़ा आ रहा है, मतलब जूम करो भाई थोड़ा, जूम करके दिखाओ हमारे दर्शक लोग को, जूम करके दिखाओ व्यूअर को। हाँ, हाथ में लेने के जैसे एकदम से, जैसे अभी एकदम सॉल्ट अभी पूरा बना नहीं है, अभी इसको शेप देंगे, पतला वाला जो रहता है वैसा, अभी इसको शेप नहीं दिया गया है, अभी यहाँ से कहीं और जाएगा शायद से। ओके, कैसा
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आ गए अंकल जी, आ गए आइए अंकल जी आइए। अरे आपसे कुछ पूछना, हमारे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट है कि सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, नमक कैसे बनता है, तो आप कुछ बता सकते हैं क्या, हमें थोड़ा जानकारी चाहिए था, प्लीज आप बताइए। नहीं गजब बेइज्जती है। अरे बता दो, पता है तो यार अंकल जी, थोड़ा बहुत कुछ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अच्छा नमक यहां से हम लोग लेके जा सकते हैं घर पे, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ऐसा है नमक ही है, नमक ही है गाइस। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये बहुत ही मजा आ रहा है, यहाँ से आते थोड़ा चलते हैं वहाँ पे बात करते हैं जो नमक बहुत ही ज्यादा साल्टी सॉल्टी है। देख गाइस अब मैं कूद रहा हूँ, आ जाओ, अब मैं कूद के उधर जाऊंगा, आ जाओ आप भी आ जाओ कैमरा मैन अभिषेक के साथ। नमक जो है कि बनेगा, ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वहां पे देखिए अभी भी बहुत दूर से हमारे जा रहे हैं। तो गाइस ये जो नमक की खेती है ये कहां पे है भाई हमारा, ये नायगांव वसई में आता है। यहां देख लीजिए जो भी सिस्टम है, यहां पूरा आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे नमक की खेती हो रही है, आपको यहां पता चलेगा। बोरिंग का जो पानी होता है, बोरिंग के पानी को एक फील्ड में डालते हैं और वो एक महीने तक चलता है, उसका देखभाल करते हैं तो जाके नमक बनता है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं मेन की, वहाँ पूछते हैं कैसा क्या बनता है। ओके तो यहाँ पे नमक की खेती भाई देख लीजिए, बहुत सारा मजा आया। तो यहाँ पे हर जगह नमक के टीले पड़े हुए हैं, हर जगह नमक रखा गया है, पूरा दिखा देते हैं आपको। वो देख लीजिए कैसा कैसा खेती हो रहा है। तो ये है नमक की खेती, यहाँ पे सब लोग आए हैं विजिट करने के लिए। ये भी है हमारे साथ अभिषेक, जितना मैं नाम कर सही है। सो गाइस आ गए हैं हमारे साथ और भी जन यहाँ पे विजिटर, विजिट करने के लिए आए हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग, आपका नाम क्या है भाई? नयन जी आए हैं। आपका नाम? आसिफ। तुकाराम। वाह ग्रेट। यहाँ पे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हमारे साथ ये भी लोग आए हैं देखने के लिए नमक की खेती कैसे होती है। भाई कहाँ से आए भाई? हम लोग नाला सपारे से आए हैं। वसई से। ओके ग्रेट। तो भाई देख लीजिए, बड़ा मजा आया देख के। अभी वहाँ पे जाके पूछते हैं, सब लोग देख रहे हैं। आप भी आए हो तो भाई क्यों आए हो यहाँ पे भाई, क्या करने के लिए? नमक खरीदने। नमक खरीदने आए हो? वाह वाह ग्रेट है भाई, खरीद लो। कितना खरीदे अभी तक? दो टन खरीद लिए। वाह वाह ग्रेट भाई, जाओ लेके जाओ घर पे। आ जाइए बताइए, मराठी में चलेगा। आ जाओ भाई। चल ओ भाई जी, आप कहाँ चले गए? आओ यार बताओ क्यों जा रहे हो, वही बता दो कैसे बनता है और क्या।
हमारे 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 वीडियो में थोड़ा सा बताना है, पानी से हो जाता है ना, पानी से कैसे थोड़ा स्टार्टिंग टेम्परेचर में जो भी सिस्टम है पानी से ऐसे हो जाता है भाई, ये बताइए। हाँ तो बता रहे हैं, आया क्लियर आ रहा है, तो बताइए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या, पानी फिराना पड़ता है, पानी फिराना पड़ता है। तो ये पानी नॉर्मल मतलब बीएमसी का रहता है कि बोरिंग का रहता है कि गटर का रहता है? बोरिंग का रहता है, गटर भी रहता है। गटर का भी पानी रहता है? गटर का पानी नमक बनता है? अरे कहना क्या चाहते हो? कैसे भाई? तो डिग्री का रहता है ना, नंबर का, नंबर का, नंबर का, 22 नंबर, 21 नंबर, नंबर मतलब डिग्री सेल्सियस डिग्री से। हाँ मतलब धूप में और जल्दी नमक बनता है क्या? हाँ, धूप से। तो पहले स्टार्टिंग में आप लोग क्या करते हो? पहले पानी उधर मारना पड़ता है ठोक। हाँ इसको, अच्छा इसको ठोक मारना पड़ता है जमीन को? हाँ जमीन को। अच्छा अच्छा, बहुत कड़क करना चाहिए। अच्छा बहुत कड़क होता है जमीन, उसके बाद इसको पानी छोड़ना, पानी छोड़ते हो बोरिंग का या गटर का जो भी रहेगा? जो भी रहेगा। हाँ और गटर से भाई किसको मतलब है, बन जाता है? चलो सही है, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे। फिर आगे आगे कैसे होता है? इसको रखना पड़ेगा एक महीना। एक महीना ऐसे रहेगा, ऐसे लादी बिठाने के बाद एक महीना रहेगा वैसे ही, धूप लगते रहेगा उसपे। हाँ बराबर, उसके बाद? इसके बाद एक महीने बाद इसमें काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। आप ही चार लोग काम करते हो? आइए भाई आप आइए, थोड़ा सा कुछ बैठिए यार, थोड़ा सा कन्वर्सेशन हो रहा है। तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं मतलब टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये भी सब ब्लॉग भी बनाता हूँ जिससे बच्चे अंदर से जाने की कैसे क्या फॉर्मेशन होता है, ऐसा ऑयल कैसे बनता है, सब चीजें मतलब जानता हूँ। आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश। दिनेश है, आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हो? दो साल। ओके, और आप तो काफी तीन साल। ओके ग्रेट है। तो वही मतलब उसके बाद फिर ऐसा ऐसा घिसने के बाद, घिसने के बाद वो दिखते है ना, वो क्या दिखते है ना, वो खड़ा वाला बाम्बू। हाँ बाम्बू, इसको वो बाम्बू बड़ा वाला। हाँ इसका यो देखो, हाँ वो जो वो सब। हाँ इसको घुमाना पड़ता है, इसको घुमाते हो? ओके, अच्छा उसका नमक बन जाता है। फिर मतलब प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? अभी तो ऐसा मैंने खाया बहुत ज्यादा, बहुत ही कड़वा लग रहा था थोड़ा सा टाइम में, तो प्यूरीफाई करते हुए ना बाद में सेप में कैसे आता होगा छोटा छोटा टुकड़ा? तो वो कहीं जाता होगा ना, आप लोग कहीं यहाँ से कहीं भेजते हो? हाँ, अच्छा अच्छा ओके। मतलब एक किलो कितने का होगा अगर यहीं से डायरेक्ट ले? यहाँ एक किलो नहीं बेचते होगे? बेचता है, एक किलो भी बेचता है। कितने का बेचते होगे एक किलो? एक किलो दस रुपये किलो, दस रुपये किलो है एक किलो का। मस्त प्लान है, सही है सही है। थोड़ा बहुत लेके जा सकते हैं हम लोग यहाँ से? कुछ तरीका है भीख मांगने का? अच्छा दे देंगे आप? ओके चलो बढ़िया है, थैंक यू भाई आप लोग का, थैंक यू, धन्यवाद। और भाई आप दिखा दो भाई, थैंक यू भाई, चलो भाई स्टॉप कर दो। तो भाई यही आ जाओ लेके। तो भाई अंकल ने बोला था कि हमें नमक देंगे, तो वो आ गए हैं नमक देने के लिए। देखिए यहाँ पे नमक दे रहे हैं थैली में भर के। तो थैंक यू अंकल, आप जो इतना हम लोग की हेल्प कर रहे हो, आपने इतना बताया, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। दे दीजिए, थैंक यू सो मच अंकल, शुक्रिया। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगा अंकल के साथ कि भाई मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा चोरी कर लिया था बैग में, भर लिया था बैग में, बट इससे ये सीख मिलता है कि आप चोरी मत करो किसी भी चीज़ को। अगर आप मांगोगे तो अगर वो दे रहे हैं तो आप ले लो, मतलब एक बार पूछना जरूरी है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी, ये बात समझ में आई। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग से कुछ सीख मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। ऐसे ही आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव और कॉमेडी ब्लॉग लेके आते रहेंगे द शिवा सर। ओके सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।